प्लांट सुनामी का पार्ट वन द स्टार्टिंग हिप्पोक्रेटस एंड अरस्तु एंड टुडे इज डिस्कशन द नेक्स्ट। तो ये जो था इस इरा में बहुत ज्यादा टेक्निक्स का प्रयोग नहीं हुआ था, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस नहीं थे, इसीलिए से इस इरा को डार्क एज कहा गया। उसके बाद आता नेक्स्ट अर्ली टैक्सोनॉमिस्ट। इट वाज नॉट अंटिल द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी द टैक्सोनॉमिक वर्कर्स बिकम ओरिजिनल इनफ टू रिप्लेस द एंशिएंट ग्रीक वर्क। तो 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो बहुत सारे टैक्सोनॉमिक ओरिजिनल वर्क कर रहे थे, उन्होंने जो ग्रीक वर्कर्स थे उनका जो पहले काम हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, उसको यूजलेस कर दिया। वन ऑफ द रीजन फॉर दिस द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक लेंस विच मेड इट पॉसिबल टू स्टडी डिटेल इन डिफरेंट स्पीसी। क्योंकि इस समय तक 16वीं सदी तक जो हमारे लेंस था उनका, माइक्रोस्कोप का, इनका डेवलपमेंट हो गया था, डिस्कवरी हो गई थी, जिनको जो छोटे प्लांट्स थे, स्मॉल प्लांट्स थे, उनकी डिटेल स्टडी करने में हेल्प मिल गई थी। तो जिनसे पहले जो हमारा हाइपोथेटिकल हमने पढ़ा रखा था, हाइपोथेटिकल तो वर्क हुआ था, उसको डिटेल स्टडी करने के कारण उसको रिप्लेस कर दिया गया। द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग साइंस एंड द एम्फेसिस टर्न फ्रॉम द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक एस्पेक्ट। तो उस समय था जो स्पेसिमेन का कलेक्शन करा जा रहा था, तो उस समय जो वर्क हो रहा था बेसिकली मेडिकल इंपॉर्टेंस पे हो रहा था, मेडिकल में यूज होने वाले प्लांट्स पर किया जा रहा था, उसी से रिलेटेबल था। तो सबसे पहले अगर बात करें उस समय जो हमारा जो टैक्सोनॉमिस्ट, जो अर्ली टैक्सोनॉमिस्ट में काउंटिंग होती है वह एंड्रोसीजल पिन्नो की होती है। तो एंड्रोसीजल पिन्नो वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑथर सीजल पिन्नो इन इटली हु इज द समटाइम्स कॉल्ड द फर्स्ट टैक्सोनॉमिस्ट। इन 1583 ही रोट De Plantis, a work that contained 1500 species. His classification was based on growth habit together with fruit and seeds from as was the Theophrastus. Some group that he recognized be still knowledge like the plant family Brassicaceae and Asteraceae. So Androsigel Pinno पहले राइटर्स थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी पर काम किया, इसलिए इन्हें फर्स्ट टैक्सोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। और उन्होंने उसमें एक बुक लिखी थी डी प्लांटिस, और इसमें लगभग 1500 प्लांट स्पीशीज को रिकग्नाइज किया इन्होंने, उसका डिस्क्रिप्शन दिया था, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट थे जो थियोफ्रेस्टिस के काम से रिलेटेड थे, और उन्होंने दो ग्रुप को विशेषकर रिकग्नाइज किया और उनका विस्तार से वर्क किया, ब्रेसिकेसी और एस्ट्रेसी के प्लांट पर। तो देखा जाए तो सीजल पिन्नो इज द फर्स्ट टैक्सोनॉमिस्ट। इसके बाद हमारा आता है जॉन कैस्पर गैस्पर्ड बाहुइन। तो ये दो भाई थे, तो हमारा एक प्लांट आता है कचनार का, बाहुनिया बेरिगेटा, बाहुनिया बहलाई, बहुत सारे। तो इनकी लीफ हम देखते हैं कि दो पैलेट जुड़े हुए होते हैं, टू लीफ ज्वाइंट सिमिलर होती है। तो वो जो उसका बाहुइन नाम रखा गया था, तो इन्हीं दोनों ब्रदर्स के नाम पे रखा गया था, इन्होंने वो काम किया था टैक्सोनॉमिस्ट टैक्सोनॉमी पर। तो इन दोनों भाइयों के नाम पर जॉन कैस्पर और गैस्पर्ड बाहुइन के नाम नाम बाहुनिया रखा गया था जीनस का नाम। बाहुइन ब्रदर्स, तो टू स्विस ब्रदर्स बाहुइन रोड द वर्क फिनेक्स 30 बॉटनी इन 1623। द वर्ड फिनेक्स मीन्स रजिस्टर एंड द वर्क इज लिस्टिंग ऑफ 6000 स्पीसीज दैट द बाहुइन ब्रदर्स इंक्लूड सिनोनिम्स विच आर ग्रेटर नेसेसिटी ऑफ द टाइम। बाय दिस टाइम स्पीसीज वर नोन विद मैनी डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट बुक्स एंड फिनेक्स 30 बॉटनी मेड अ वेलकम ऑर्डर इन द टैक्सोनॉमिक वर्ल्ड। बाहुइन ब्रदर्स रिकग्नाइज जेनरा एंड स्पीसी आर मेजर टैक्सोनॉमिक लेवल्स। तो ये स्विस ब्रदर्स थे बाहुइन,
तो इन्होंने फिनेक्स 30 बॉटनिकी नाम की एक बुक लिखी और उसमें लगभग 6000 यानी 6000 स्पीशीज को लिस्टेड किया इन्होंने, और जिसमें उन्होंने सिनोनिम्स और उस समय के जो टाइम में नाम प्रयोग किए जाते थे अलग अलग, उसमें अलग अलग बुक्स में उन नामों का इन्होंने प्रयोग करके एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है हमारा जॉन रे। जॉन रे द इंग्लिश नेचुरलिस्ट रोट सेवरल इंपॉर्टेंट वर्क थ्रू हिज लाइफ। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज दैट अल्टीमेट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। इन 1682 पब्लिश मेथड्स प्लांटेरम नोबा विच कंटेनेड अराउंड 18,000 प्लांट स्पीसीज आर रिजल्ट रिलेटिवली नैरो स्पीसीज कॉन्सेप्ट। हिज कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द मैनी कंबाइंड करेक्टर्स एज अपोज टू द अर्लियर टैक्सोनॉमिस्ट। रे एम्ड एट पब्लिशिंग अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ नेचर विच इंक्लूड वर्क ऑन मैमल रेप्टाइल्स बर्ड फिशेस एंड इंसेक्ट और लेटर इंक्लूडिंग पायनियरिंग एंटोमोलॉजिस्ट टैक्सोनॉमिक वर्क। तो बेसिकली क्या थे, जो जॉन रे थे इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्होंने स्पीसीज को स्थापित किया था और 1682 में प्लांटेरम नोवा नामक बुक को पब्लिश किया था जिसमें 18,000 प्लांटों को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसके साथ साथ इन्होंने दूसरे जो करेक्टर इन्होंने लिए थे कंबाइन किए थे, वर्तमान जो हमारे टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इनको अपोज किया, इनका विरोध किया था। रे का जो मेन उद्देश्य था कि कंप्लीट नेचर में जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पाए जाते हैं दोनों को पब्लिश करना था, दोनों को काम करना था। उस समय देखा जाए कि इन्होंने जो एंटोमोलॉजी की टैक्सोनॉमी पे काम किया वो इनका एक पायनियर वर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है टैक्सोनॉमी का। जोसेफ पिस्टन डी टर्नफोर्ड इन फ्रांस, जोसेफ पिस्टन पिटन डी टर्नफोर्ड कंस्ट्रक्टेड अ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन दैट कम टू रूल इन बॉटनिकल टैक्सोनॉमिक यूनिट इन द टाइम ऑफ कॉर्नेलियस। इन 17 ही पब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशन रे हर्बेरी इन विच अराउंड 9,000 स्पीसीज वर लिस्टेड इन 698 जेनरा। He put primary emphasis on the classification of genera that many genera were accepted by Linnaeus and still in the use today. Turnfort's plants classification was exclusively based on the floral characters. Turnfort's system was the one used by Linnaeus as young student, but where Turnfort denied the presence of sexuality in plant, Linnaeus on the contrary base सिस्टम ऑन द आर्गुमेंट। तो टर्नफोर्ड बेसिकली जो थे एक फ्रेंच टैक्सोनॉमिस्ट थे और इन्होंने 1700 स्पीसीज के आसपास 9,000 प्लांटों का डिस्क्रिप्शन किया जिसमें 698 जेनरा थे। तो इनका क्लासिफिकेशन का काम जो था लिनियस के टाइम में भी यूज किया गया, बहुत सारे प्लांट्स के नेम को उन्होंने यूज किया था और क्लासिफिकेशन का हेल्प भी ली थी। तो टर्नफोर्ड ने जो सेक्सुअलिटी की प्लांट में सेक्सुअलिटी का आधार है उसको डिनाई भी किया था और उसके बाद उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम दिया था, अपने सिस्टम को उन्होंने एलिमेंट्स डी बॉटनिकी में पब्लिश किया था उन्होंने। उसके बाद हमारे लिनियस का एरा शुरू होता है, द लिनियन एरा स्टार्टिंग द पॉइंट ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो लिनियन जो थे पुराने जो हमारे थ्योरेटिकल और हमारे जो हाइपोथेटिकल वर्क था लिनियस से देखा जाए तो प्रैक्टिकल वर्क का एक नया इरा स्टार्ट होता है। तो जो लिनियस का इरा था वो 1707 से 1778 तक रहा है। द कॉल लिनियस फॉर द नॉमिनकल्चर रीजन टू वर्क ऑफ कॉल लिनियस आर रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न बॉटनिकल जूलॉजिकल टैक्सोनॉमी। ग्लोबल फ्लोरा स्पीसीज प्लांटेरम पब्लिश इन 1753 and the 10th edition of System Nature 1758 including Global Fauna. The reasons for this Linnaeus introduced in these books are binary form of species name called tribal names for both plants and animals.
For each species, he created an epithet that could be used together with the genus name. The tribal names were intended for field work and education and not to replace their earlier phrase names. तो देखा जाए जो लीनियस साहब थे उन्होंने क्या करा कि जो हमारा अनलिमिटेड सिस्टम चल रहा था कि जिसमें जिसमें बहुत सारे नाम सबने रखे हुए थे, लोकल नेम कुछ भी थे, लेकिन जब हम स्टडी करने जाते थे तो नाम कुछ और होते थे, तो उस समय समस्या आ रही थी। उस समय जो नाम रखे गए थे लेनियस से पहले उनका कोई आधार नहीं था, जैसा चाहा था आथर ने रखा था, जैसा चाहा समझा उसको रखा गया। तो इन्होंने देखा जाए कि लीनियस ने एक रूल्स ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट किए, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर दिया जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, और ये नॉमनक्लेचर जियोलॉजी और बॉटनी में दोनों रखा गया, और जो पहले ट्राइबल नेम से उनको चेंज किया, नाम रखा उनका, बताया था उन्होंने कि जीनस का नाम हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, स्पेलिंग से लिखते हैं, टाइपिंग करेंगे तो इटैलिक करेंगे, लिखेंगे तो उसे अंडरलाइन करेंगे, इस तरीके से बहुत सारे नाम दिए थे। और जो भी बहुत देखा जाए तो प्लांट क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन हुआ था लीनियस के टाइम से। लीनियस के टाइमिंग को इसलिए कहा जाता है कि लीनियस मॉडर्न एरा ऑफ टैक्सोनॉमी। द फ्रेज नेम्स इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीसीज डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर नोन स्पीसीज इन द जीनस विद द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ द ग्लोबल फौना फ्लोरा दैट 17th टू 18th सेंचुरी साइंटिफिक एक्सपेडिशन अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज वर फाउंड एंड नेम्ड मोर टर्म्स हैड टू बी एडेड ईच फ्रेज नेम बाय द टाइम ऑफ लीनियस द सिचुएशन वाज रियली बैड लीनियस काउंटेड 8,530 स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन 1753 द सिंपलिसिटी ऑफ लीनियस ट्राइबल नेम्स रिबुलनाइज्ड नामनक्लेचर एंड सून बाइनरी नामनक्लेचर कम टू रिप्लेस द फ्रेज नेम टुडे एवरी प्लांट एनिमल नेम पब्लिश्ड बिफोर 1753 और 1758 रिस्पेक्टिवली कॉल्ड प्रीलिनियन एरा एंड इज दस नॉट वैलिड आल्सो अर्ली नेम्स पब्लिश्ड बाय लीनियस हिमसेल्फ आर प्रीलिनियन। तो इन्हें कहा गया कि बहुत सारे नाम जो थे लीनियस से पहले रखे गए थे, प्रीलिनियन नाम कहलाए थे, और उनको बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको हटा दिया गया, फ्रेज नेम्स को हटा दिया गया, और उसके बाद साइंटिफिक नेम रखे गए थे। बहुत समय तक ये कहा गया कि लीनियस के नाम तक जो रखे गए नाम प्लांट को उसको अभी तक वैसे रहने दो, नए नाम रखे जाएंगे, वो बायोनॉमियल सिस्टम के अनुसार रखे जाएंगे। उसके बाद जो पुराने प्लांट्स थे हमारे जो बिफोर लीनियस से रखे गए थे उनको धीरे धीरे करके चेंज किया गया बायनॉमियल सिस्टम के अनुसार, और लीनियस ने अपने समय तक 8,530 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया फ्लावरिंग प्लांट को और उनको पब्लिश किया और रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद हमारा आता है द ट्रांजिशन बॉटनी एंड जूलॉजी इनटू द साइंस। तो ट्रांजिशन और जूलॉजी में दोनों नॉमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हुए, वहीं से स्टार्टिंग हुई कि पब्लिकेशन किस तरीके से होना चाहिए, काम किस तरीके होना चाहिए। The Linnaeus starting his career by publishing a system of all living things and minerals in 1735 called Systema Naturae. तो Systema Naturae में Linnaeus ने अपने सिस्टम को क्लासिफिकेशन सिस्टम को पब्लिश किया, वहां से बहुत बड़ा उनका करियर स्टार्ट हुआ और वहीं से चेंजिंग आना शुरू हुए। In this introduced the sexual system of plant an artificial classification based on the sexual part of the flower the stamen and pistil Linnaeus ne basically jo system diya tha apna classification system wo flowering plant mein sex organs ke aadhar pe diya tha usme unhone stamen ko count kiya tha aur pistil ke aadhar par unhone apna classification system ko propose kiya jise artificial classification system ke naam se jana jata hai in the time when people debated whether plants had sexuality or not the suggestion from unknown person not belonging to the any classical European school of the nature science more or less of the scientific world. However, the practical use of system and leading a careful observation precludes the criticize and leading a sexual system of plant become highest fashion also out the scientific community. तो बेसिकली जो लूनियन सिस्टम दिया उस समय ये भी उठा था कि सभी प्लांटों में क्या सेक्सुअलिटी पाई जाती है, करेक्टर मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन उस समय तक किसी नॉन पर्सन ने नहीं कहा था, किसी
पर्टिकुलर आथर ने नहीं इस बात को कहा था। और समय तक क्या हुआ कि लीनियस का जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ लोगों ने उसे क्रिटिसाइज भी किया और वो उस समय देखा जाए कि वो फैशन से बाहर हो गया, किसी यूज का नहीं था, साइंटिफिक कमिटी के द्वारा उसका यूज नहीं हो पाया था। इन एन अटेम्प्ट मोर ऑर्डर इन द वर्ल्ड टैक्सोनॉमी एक्सप्लेन हिज वे टू थैंकिंग लीनियस पब्लिश द सेवरल बुक्स एंड द वो ट्रांसफॉर्म बॉटनी जूलॉजी इन टू द साइंस देयर वन until then the two discipline had merely been fringe practical medicines built on scattered observation of different species Hastoria naturalis with the work Linnaeus botany and zoology transformed into the scientista and science surrounding by the philosophy order system just like discipline of theology philosophy and law। तो टैक्सोनॉमी के बायोनॉमल सिस्टम के बाद लीनियस ने जूलॉजी और बॉटनी में टैक्सोनॉमी के जो क्लासिफिकेशन उससे रिलेटेड कई सारी बुक्स को पब्लिश किया और जो उन्होंने देखा उसको बहुत ही प्रैक्टिस मेडिक, क्योंकि उस समय क्या होता था जो क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस चल रही थी वो बहुत सारे जो साइंटिस्ट जो वर्कर्स थे फिजिशियन भी बहुत सारे थे तो उनकी जो मेडिसिन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन का काम हो रहा था काम चल रहा था तो उस पर उन्होंने काम किया। तो लीनियस ने जो काम किया था जूलॉजी बॉटनी में बेसिकली थियोलॉजी फिलॉसफी और लॉ का प्रयोग करते हुए उसको नए सिस्टम को उन्होंने इजाद किया था, नया सिस्टम किया था। इन 1735 ही पब्लिश्ड क्रिस्टा बॉटनिका बाय द रूल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ जेनेरिक नेम। 1735 में इन्होंने बुक पब्लिश की थी क्रिटिका बॉटनिका और जिसमें नियम दिए थे कि जेनेरिक नेम को किस तरीके से हम बना सकते हैं, जेनेरिक नेम किस आधार पर होता है, किस तरीके से रखे जाएंगे, इस बात का इसमें जिक्र किया गया था। इन द सेम ईयर केम जेनरा प्लांटेरम विद द लिस्ट ऑल नोन जेनरा और उसी साल इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जेनरा प्लांटेरम और उस बुक में इन्होंने सभी जेनरा का जो आइडेंटिफाई हो चुके थे, जो लिस्टिंग हो चुके थे, सबका डिस्क्रिप्शन दिया था। इन सबसिक्वेंट बुक द फंडामेंटल बॉटनिका इन 1736 एंड फिलॉसफी ऑफ बॉटनिका इन 1751 are created for rules for species description, terminology, even instruction how build a proper herbarium cupboard। तो 1735 और 1751 में उन्होंने बुक्स जो पब्लिश की थी, 1736 में उन्होंने बुक पब्लिश की थी फिलॉसफी ऑफ बॉटनिका और 1751 में बुक इन्होंने पब्लिश की थी। तो इन्होंने जो फंडामेंटल बॉटनिका और फिलॉसफी ऑफ बॉटनिका जो रूल्स दो बुक बनाई थी, इन्होंने नियम दिए थे कि प्लांट का हम डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखेंगे, किस टर्म का हम प्रयोग करेंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे और हर्बेरियम सीट को हम किस तरीके से स्पेसिमेन तैयार करेंगे, इन सभी बातों का इसमें जिक्र किया गया था। लीनियस एस्टैब्लिश्ड मेनी ऑफ द रूल्स टैक्सोनॉमिस्ट टुडे। तो आज जो प्रयोग नियम प्रयोग हो रहे हैं वो बहुत सारे नियम लीनियस ने बनाए थे। द टर्म लाइक क्रोला स्टामिन्स फ्लामेंट एंथर क्रिएटेड बाय हिम एज वेल एज नॉन टैक्सोन नेम लाइक मैमेलिया। तो इन्होंने बहुत सारे जो करोला जो टर्म यूज होते हैं हमारे जब हम प्लांट का डिस्क्रिप्शन करते हैं, करोला स्टामिन फ्लामेंट एंथर, तो बहुत सारे जो टर्म दिए थे वो लीनियस के द्वारा दिए गए थे, उनका डिस्क्राइब किया गया था। आफ्टर अ लॉन्ग लाइफ अ मैसिव पब्लिकेशन द फिलॉसफी इन प्रैक्टिकली ऑफ द सिस्टमेटिक लीनियस हैड लेड आउट द फाउंडेशन फॉर बॉटनी जूलॉजी इट वॉज नाउ टाइम सबसिक्वेंट टैक्सोनॉमिस्ट टू इम्प्रूव दिस बॉर्न साइंस। तो उस समय जो नई साइंस पैदा हुई थी इसको आने वाले जो वर्कर्स थे उन्होंने और ज्यादा जो स्टोन रखा था, नींव रखी थी मॉडर्न साइंस की टैक्सोनॉमी की, वो लीनियस ने रखी थी और उसको जो नए टैक्सोनॉमिस्ट वर्कर्स थे उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया था। तो लीनियस के वर्क के बाद जो इरा स्टार्ट हुआ था, मॉडर्न इरा स्टार्ट हुआ था, तो पोस्ट लीनियन टैक्सोनॉमी इरा 1776 में आता है। तो इसमें पहला हमारा सिस्टम शुरू हुआ था नेचुरल सिस्टम इमर्जिंग इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में अभी तक हाइपोथेटिकल काम चल रहा था लेकिन इसमें जो प्लांट के नेचुरल करेक्टर होते हैं उनके आधार पर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम पर काम स्टार्ट हो गया था। वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विद द लीनियस सिस्टमेटिक नॉट मेक सक्सेस वाज फ्रांस। लीनियस ने जो सिस्टम दिया था उसको लोगों ने सक्सेस नहीं माना था, उसका यहाँ प्रयोग नहीं हुआ था। द फ्रांस टुक टर्न फोर्ट एंड द कंटिन्यू टू वर्क डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम। और फ्रांस में जो सबसे बड़े टैक्सोनॉमिस्ट काम कर रहे थे टर्न फोर्ट, इन्होंने काम को स्टार्ट रखा और नेचुरल सिस्टम को दिया। फोर फ्रेंच साइंटिस्ट इमर्ज द मेड इम्पैक्ट फॉर फ्यूचर बायोलॉजी साइंस और इन्होंने जो था फ्यूचर की बायोलॉजी साइंस को आगे बढ़ाने का करा। वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन विच द लीनियस सिस्टम
डिड नॉट मेक सक्सेस फॉर बाज फ्रांस, बहुत सारे जो फ्रांस की अदर कंट्री थे उनमें सक्सेस नहीं हो पाया, उसको उन्होंने नहीं माना। द फ्रांस स्टूप टू बार टर्म फोर कंट्री टू वर्क डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंस, तो इन्होंने इसको रखा इन्होंने और इसको आगे काम किया। उसके बाद हमारा आता नेक्स्ट जिगोरियस लुइस लॉरेंस डी बुफेन, तो इनका जो टाइमिंग रहा था 1707 टू 1788 तक रहा था। ग्रिगोरियस लुइस नेचुरल सिस्टम इमर्जिंग इन फ्रांस लॉरेंस डी बुफेन वाज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक टू लिनियस वर्क एंड ही फाउंडेड, इन्होंने जो लिनियस का वर्क था उसको क्रिटिसाइज करने का काम किया था। रॉन्ग टू इम्पोज द आर्टिफिशियल ऑर्डर ऑन द डिसऑर्डरली नेचुरल वर्ल्ड हिज अप्रोच टू डिस्क्राइब था, तो इन्होंने कहा था कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम में ऑर्डर को डिस्क्राइब किया गया वो नेचुरल वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। द वर्ल्ड रेदर देन द क्लासिफाई इट हैज थ्योरीज टच अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी, और उन्होंने उसके अंदर एक कुछ थ्योरी दी थी जो स्पीसीज और दो स्पीसीज एक स्पीसीज से कैसे तैयार होती, कौन सी स्पीसीज किस तरीके से ओरिजिनेट हुई, इसका इन्होंने डिस्कशन दिया। एंड एक्वायर इनहेरिटेड करेक्टर इन स्पीसीज बाय ओपन अप अ पाथवे फॉर इवोल्यूशनरी थ्योरी, और इसी को मानकर उन्होंने जो इवोल्यूशनरी थ्योरी का पाथवे था प्रपोज किया था। मेकल एंडरसन, मेकल एंडरसन रोट फैमिलीज डी प्लांटिस ऑलरेडी इन 1763, मेकल एडिसन ने 1763 में फैमिलीज डिस प्लांटिस नामक बुक को लिखा था, पब्लिश किया था। ही लॉन्च द आइडिया दैट द क्लासिफिकेशन वन शुड नॉट पुट ग्रेटर एम्फोसिस ऑन सेम करेक्टर दैट ऑन अदर बट यूज अ ग्रेट रेंज ऑफ करेक्टर, उनका बहुत सारे करेक्टर सेम हो सकते हैं लेकिन और भी करेक्टर्स को हमें स्टडी करना चाहिए तो उससे हम क्लासीफाई और अच्छा कर सकते हैं। He criticized Linnaeus work and considered turn for classification for superior, इन्होंने क्या करा जो Linnaeus का वर्क था उसको क्रिटिसाइज किया और कंसीडर जो उनका जो टर्नफोर्ड का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको उन्होंने सुपीरियर बताया और उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का किया। एंटोनियन लोरेंट डी जूसी, इन्हें जूसी सिस्टम भी कहा जाता है, उन्होंने जूसी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। चेंज द सिस्टम ऑफ प्लांट्स विद हिज जेनेरा प्लांटेरम इन 1789 इन विच ही लॉन्च्ड अ नेचुरल सिस्टम बेस्ड ऑन द मेनी करेक्टर्स दैट कम टू फाउंडेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ही डिवाइड द प्लांट्स इनटू एकोटिलीडनस मोनोकोटिलीडन्स डाइकोटिलीडन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द फैमिली रैंक इन बिटवीन रैंक जीनस एंड क्लास, तो इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था, उन्होंने अपना सिस्टम था उसको जेनेरा प्लांटेरम में 1789 में पब्लिश करा था इन्होंने, और इन्होंने जो पूरा प्लांट किंगडम था उसको तीन भागों में एकोटिलीडन्स मोनोकोटिलीडन्स और कोटिलीडन्स यानी कि बिना सीड वाले प्लांट एक सीड वाले प्लांट दो सीड वाले प्लांट में उन्होंने डिवाइड किया और जीनस और क्लास के बीच में उन्होंने एक नई रैंक डेवलप की जिसे नाम दिया था उन्होंने जीन बेपेस डी लेमार्क द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट ऑफ द बायोलॉजी। जीन बेपेस डी लेमार्क लॉन्च्ड द इवोल्यूशनरी थ्योरी इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर नेम द लेमार्किज्म, तो ये बहुत बड़े वर्कर थे और इन्होंने जो इवोल्यूशनरी थ्योरी दी जैविक विकास की उन्होंने थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि जो करेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी करेक्टर में जाते हैं इस थ्योरी को नाम दिया गया था लेमार्किज्म। दिस वाज द फॉरवर्डिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसल वालेस इन 1858 इन लंदन, और इन्होंने इस थ्योरी को इन लोगों ने वहां पर प्रपोज किया था। द फ्रांस साइंटिफिक वर्क द डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंप्रूव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेड फ्यू फॉर न्यू इरा टैक्सोनॉमी बेज बाय ट्राइंग कोप विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पीसीज रैपिडली एक्सपेंडिंग द फ्लोरा फना ऑफ द वर्ल्ड, उस इनके समय तक क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप बन गए थे जिसकी वजह से प्लांट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी वर्क स्टार्ट हुआ था और इस तरह वर्क का इन्होंने जो था प्रयोग किया था टैक्सोनॉमिक वर्क में किया था जिससे कि बहुत तेजी से कई सारी नई स्पीसीज प्लांट और एनिमल्स की। द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, तो देखा जाए अगस्टिन प्राइमेट डी कंडोले थे तो इन्होंने क्या काम करा था कि जो क्लासिफिकेशन था इसका काम इन्होंने स्टार्ट करा था और अच्छे से इन्होंने करा था। तो जो बात चल रही थी लिनियस की, लिनियस ने क्या करा था इनके वर्क को, इनका जो पहले का वर्क था तो लिनियस का जो सिस्टमेटिक वर्क था इन्होंने और उसको सिस्टमेटिक किया
और कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो आईसीएमएन की स्थापना थी वो कैंडोले फैमिली के सहयोग से हुई थी, उन्हीं के प्रयास से हुई थी। अगस्टिन प्राइमिडिस डी कैंडोले वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू द क्रिएट रूल्स इन द बॉटनिकल टैक्सोनॉमी बाय मेड बाय अगस्टिन प्रामिस डी कैंडोले इन थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिकी 1813 देयर ही stated that the published name should have priority according to date of publication starting with the Linnaeus. The English did not follow the rules. तो उन्होंने नए नियम दिए थे, नया बना रखा था किस तरीके से नाम रखेंगे, और उन्होंने क्या करा कि Linnaeus जो पहले नाम रखेंगे उनको अभी चेंज नहीं किया जाएगा, Linnaeus के बाद नाम को चेंज करा जाएगा, जो बॉटनिकल नेम है उसको किस तरीके से प्योरिटी में रखा जाएगा। और इस समय उन्होंने इंग्लिश रूल का फॉलो नहीं किया था, उन्होंने लैटिन भाषा का प्रयोग किया था, फॉलो किया था। अल्फांसो डी कैंडोले वन ऑफ द कांग्रेस इन पेरिस 100 बॉटनिस्ट अडॉप्ट द रूल्स इन द बुक बाय अ सन अल्फांसो डी कैंडोले। तो जब उस समय जो इंडिया में पेरिस में एक कांग्रेस बनी थी, इंडियन साइंस का ग्रुप था, जो बॉटनिस्ट का ग्रुप था, और उसमें रूल्स की उन्होंने बुक सबसे पहले प्रेजेंट की, प्रपोज की थी, जिसको उन्होंने सबने एक्सेप्ट किया था कि उसमें नियम थे किस तरीके से हम प्लांट का नाम रखेंगे, किस किस तरीके से प्योरिटी होगी, स्पीसीज का नाम कब रखेंगे, जीनस का नाम रखेंगे, कब नाम रखा जा सकता है, कब नहीं रखा जा सकता है, उसको कैसे हम उसको मान्यता देंगे, ये बातें सब उसमें लिखी गई थी। द रूल्स वर देयर आफ्टर डिस्कस एट डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बॉटनिकल टैक्सोनॉमी फॉर सजेस्टेड और टैक्सोनॉमिस्ट के लिए सजेशन भी दिए गए थे। ऑटो क्रेडेज ड्यूरिंग द ईयर 1891 to 1898, the German botanist Otto Kunitz published the controversial work Reviso Genera Plantarum, in which the Hale-Condorcet law for 1867 regarding. उन्होंने controversial work उन्होंने publish किया था जिसको Reviso Genera Plantarum में, जिसमें D. Condorcet ने भी इसमें law में बहुत सारी help ली थी। He changed 1000 generic name and 30,000 species name, could a strict application in sufficient nomenclature law and the nomenclature mess made triggered botanist to create a code of botanical nomenclature. इन्होंने लगभग 1000 generic name चेंज किए, 30,000 species नाम चेंज किए, और चूंकि nomenclature के rules of law जो थे वो sufficient नहीं थे, उस समय उन्होंने क्या करा, एक botanical code को नामनक्लेचर के लिए उन्होंने किया, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम हुकर। इसके बाद बेंथम हुकर दो बड़े बड़े अलग अलग वर्कर्स थे, बेंथम हुकर की फैमिली भी जो थी और बॉटनी से रिलेटेड थी, ये लोग रॉयल बॉटनिक गार्डन से बिलोंग करते थे, इनके वही काम करते थे। तो उसमें जो जोसेफ डाल्टन हुकर, जिन्हें हम जे डी हुकर के नाम से भी जानते हैं, इनका जो जन्म हुआ था 30 जून 1857 को हुआ था, होलसबर्ग यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और उनकी जो डेथ हो गई थी 10 दिसंबर 1911 को ही थी। और ये बेसिकली रॉयल बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड था, इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए, डार्विन वालेस मेडल, कापले मेडल्स, रॉयल मेडल, क्लर्क मेडल, लिनियस मेडल। जॉर्ज बेंथम बॉर्न 22 सितंबर 1800 स्टॉक विलेज प्लेमॉथ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि 22 सितंबर 1800 में इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, और 10 सितंबर 1884 को डेड हो गए थे लंदन के यूनाइटेड किंगडम में ही। और इनको जो रॉयल मेडल मिला था, क्लर्क मेडल मिला था, बहुत सारी बुक्स लिखी थी। जॉर्ज बेंथम बॉर्न 22 सितंबर 1800 स्टॉक विलेज प्लेमॉथ यूनाइटेड किंगडम, डेड 10 सितंबर 1884 लंदन यूनाइटेड किंगडम। अंकल जेमरी बेंथम, पेरेंट्स सैमुअल बेंथम, मैरी सोफी बेंथम, अवार्ड रॉयल मेडल, क्लार्क मेडल एंड अदर बुक्स। बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, अ टैक्सोनॉमिक सिस्टम, द बेंथम एंड हुकर सिस्टम फॉर सीड प्लांट वाज पब्लिश्ड इन बेंथम हुकर जेनरा प्लांटेरम डी एक्सप्लोर द इम्प्रेमिसेस इन हर्बलिस कुनोबिस सर्वेटा डेफिनेटा थ्री वॉल्यूम्स बिटवीन 1862-1883। बेंथम हुकर ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम जेनरा प्लांटेरम नामक बुक में पब्लिश कराया, एक्सप्लेन किया। और ये जो वॉल्यूम्स थ्री वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, इसको 1862 से 1883 के बीच कराया गया। जॉर्ज बेंथम
एंड जोसेफ डाल्टन हुकर वर ब्रिटिश बॉटनिस्ट टू द क्लोजली अफिलेटेड टू द रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इन इंग्लैंड. देयर सिस्टम बॉटनिक टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल अफिनिटी एंड कंसीडर प्रीडोमिनेंस एज आइडियाज. इट डज नॉट टेक इवोल्यूशनरी इनटू अकाउंट द जेनेरा प्लांटेरम क्लासिफाइड एस्टीमेट 97,205 स्पीसीज एंड 222 फैमिलीज एंड 7,569 जेनेरा. तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल करेक्टर पर आधारित था. नेचुरल अफिनिटी जो समानता थी उनके आधार पर दिया गया था. इन्होंने डार्विन को भी कंसीडर किया था और इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम में सीड प्लांट का जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इन्होंने 97,205 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था जो 202 फैमिली से बिलोंग करती हैं और 7,569 जेनरा से बिलोंग करती हैं. उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जो आप पढ़ेंगे. और उसके बाद शुरू हुआ था आईबीसीएन का काम अच्छी तरह स्टार्ट हुआ था यूरोप. इट वाज डिसाइडेड ऑन बॉटनिकल कांग्रेस इन वियना 1905 ड्यूरिंग द मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्योरिटी ऑफ बॉटनिकल नेम सेट टू 1753 एंड ईयर ऑफ लीनियस स्पीसीज प्लांटेरम. तो इन्होंने डिस्कस किया गया था कि जो नाम को प्योरिटी दी जाएगी वो 1753 के जो लीनियर एरा है स्पीसीज का नाम दिया गया तो वहां से स्टार्ट की जाएगी. स्टेबलाइज नामक्लेचर ऑफ द कोंज रिगार्ड वर्क लिस्ट मेड वेल एस्टेब्लिश नेम नॉमिना कंजर्वेंडा द शुड बी कंजर्वेंडा थ्रो द डिड नॉट हैव प्योरिटी वर्क नॉट द फर्स्ट नेम पब्लिश. तो बहुत सारे नाम और किए गए तो किस तरीके से नाम में प्योरिटी रखी जाए किसको एस्टेब्लिश किया जाए किसको माना जाए तो बहुत सारे नियम बनाए गए थे. तो एस्टेब्लिश नॉमेनक्लेचर आफ्टर क्यूंज क्योंकि कुंज ने उस समय क्या किया था बॉटनिकल कोड बनाया था तो उनके नाम के आधार पर नाम बहुत सारे रखे गए थे बहुत सारा काम किया था. एस्टेब्लिश नॉमेनक्लेचर आफ्टर क्यूंज रिगार्डेड वर्क लिस्टेड वाज मेड ऑफ वेल एस्टेब्लिश नेम नॉमिना कंजर्वेंडा. ही शुड बी कंजर्व ऑल्दो डिड नॉट हैव प्योरिटी बट नॉट फर्स्ट नेम पब्लिश. तो उनका ये जरूरी नहीं कि पब्लिक नेम पब्लिश किया था फिर नेम प्योरिटी नहीं रखी जाएगी. इन 1907 अमेरिकन बॉटनिस्ट क्रिएटेड अ कोड बाय द वन वेयर द इंट्रोड्यूस्ड टाइप स्पेसिमेन अलाउड टोटोनम्स नॉट अंटिल 1935 डिड द यूरोपियन अमेरिकन कोड मर्ज इनटू द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. 1907 में अमेरिका के बॉटनिस्ट ने एक नया कोड दिया गया था जिसमें स्पेसिमेन टाइप का वर्णन किया गया था टाटोनम्स को बताया गया था. और 1935 में क्या हुआ कि यूरोपियन और अमेरिकन कोड को आपस में मर्ज करके इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में आईसी बदल दिया गया था. द इनिशियल जूलॉजिकल कोड स्टार्टेड समवॉट लेटर इन 1842 ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट होइग एडविन स्ट्रिकलैंड एलेबोरेटेड द फर्स्ट नॉमेनक्लेचर लॉ फॉर जूलॉजी एंड स्टॉकलैंड कोड. तो 1842 में जूलॉजी में जो कोड सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ और इसकी स्थापना जो की थी होइग एडविन स्टॉकलैंड ने की थी. और उसमें उन्होंने ना जो जूलॉजी का नॉमेनक्लेचर था उसके लिए ना नाम और जो रूल्स थे उसका निर्धारण किया था. ही वाज एसेटेड बाय अ कमेटी वेयर चार्ल्स डार्विन वाज मेंबर अमंग देयर वाज स्टॉकलैंड कोड वाज एक्सेप्टेड अमंग ब्रिटिश एंड अमेरिकन जूलॉजिस्ट फॉर 3 ईयर. तो इनके कोड को ब्रिटिश और अमेरिकन जूलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था मान्यता दे दी थी. हाउ इन 1881 द जियोलॉजिकल इंटरनेशनल कांग्रेस इन बोलांगना मोडिफाइड द कोड ऑफ मेक एप्लीकेबल आल्सो टू फॉसिल. और इन्होंने जो इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी बोलांगना में उसमें कुछ मॉडिफाइड किया गया और कहा गया कि ये जो कोड है वो फॉसिल के लिए ही एक्सेप्टेबल है. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर द नंबर ऑफ डिफरेंट कोड वर सजेस्टेड फ्रेंच जूलॉजिस्ट अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट जर्मन जूलॉजिस्ट इंग्लिश एंटोमोलॉजिस्ट क्रिएटिंग अ एम्पिरिकल कोडिंग कोडेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक एंट्री. तो बहुत सारे जो लोग और लोग थे फ्रांस अमेरिकन जर्मन यहाँ के बहुत सारे जो जूलॉजी से रिलेटेड वर्कर्स थे उन्होंने नए बहुत सारे कोडों को. द नीड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाज रिव्यूज एंड द फर्स्ट वाज एक्सेप्टेड ऑन इंटरनेशनल कांग्रेस इन मॉस्को इन 1892. तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल जूलॉजी के कोड की जरूरत थी नॉमेनक्लेचर की उसको दिया गया और पहला जो इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी मॉस्को में 1892 में उसको वहां पर एक्सेप्ट किया गया था. इन 1905 फर्दर मॉडिफाइड इंटरनेशनल कोड पब्लिश्ड इन फ्रांस इंग्लिश एंड जर्मन लैंग्वेजेस.
और 1905 में इसको मॉडिफाइड करके तीन भाषाओं में, फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन भाषा में पब्लिश किया गया। दे आर कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन ऑफ कोड ऑफ बॉटनिकल नामनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नामनक्लेचर, और इसको कंटिन्यूस लगातार इस नामनक्लेचर को चेंज किया गया, इसमें नए नए रूल्स ऐड करे गए थे। चेंज द बॉटनिकल नामनक्लेचर टू डिसाइडेड डिस्कशन एंड वोट टू ओपन मीटिंग एट एवरी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हेल्ड एवरी सिक्स ईयर। छह साल में जो बॉटनिकल कांग्रेस की मीटिंग होती है उसमें डिस्कशन के द्वारा, बोर्ड सिस्टम के द्वारा नियमों को उसमें चेंज किया जाता है। द लेटेस्ट बॉटनिकल कोड डिसाइडेड अपॉन इन वियना 2005 ओपन फॉर एक्सटेंडेड पॉसिबिलिटी टू रिजेक्टेड कंजर प्लांट नेम टू प्रमोट नामनक्लेचर स्टेबिलिटी। अभी लेटेस्ट जो वियना में 2005 में मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल कोड की, उसमें डिसाइडेड किया गया था रिजेक्टेड और जो हमारे जो प्लांट के नाम है कंजर्वेटिव प्लांट को, उनको प्रमोट किया गया और स्टेबल किया गया जो हमारा नामनक्लेचर सिस्टम है। चेंज इन जूलॉजिकल कोड आर डिसाइडेड अपॉन बाय द इंटरनेशनल कमीशन इन जूलॉजिकल नामनक्लेचर इलेक्टेड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ जूलॉजिस्ट। तो इंटरनेशनल जूलॉजिस्टों की जो सोसाइटी है वही चेंज करती है जूलॉजिकल जो नामनक्लेचर ऑफ कोड है उसको चेंज करने का राइट्स है। जूलॉजिकल कोड डिफर इन मैनी बेस फॉर द बॉटनिकल, तो जूलॉजिकल कोड जो है वो मैनी बॉटनिकल कोड से डिफर है। अमंग द थिंग्स स्पीसीज नॉट नीड टू डिस्क्राइब इन लैटिन, यहाँ पर स्पीसीज को लैटिन में डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। सिंस 1953 देयर इज आल्सो इंटरनेशनल कोड ऑफ नामनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड सिंस 1918 देयर इज द कोड फॉर बैक्टीरिया एक्सक्लूडिंग द साइनोबैक्टीरिया विच स्टिल इंक्लूड द बॉटनिकल कोड। 1953 में जो इंटरनेशनल कोड है नामनक्लेचर कल्टीवेशन प्लांट के लिए दिया गया, 1980 में बैक्टीरिया के लिए दिया गया और जो दूसरे हमारे प्रोकैरियोट्स से जस्ट लाइक साइनोबैक्टीरिया इनको भी बॉटनिकल कोड में शामिल किया। फ्रॉम फाइलोजेनेटिक्स टू फाइलोजेनीज, तो नेचुरल सिस्टम के बाद फाइलोजेनीज सिस्टम आया जिसमें इस तरीके से दिया गया कि कोई किस प्लांट की उत्पत्ति किस तरीके की दी है या प्लांट का ओरिजिन कैसे हुआ है, इस आधार पर क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया गया। चार्ल्स डार्विन अल्फर्ड रसेल लॉन्च द इवोल्यूशनरी थ्योरी इन 1858, इन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी भी दिया था 1858 में। हाउएवर दिस डिड नॉट अफेक्ट सिस्टमेटिक इन बिगिनिंग, इसका प्रारंभिक कोई अंतर नहीं पड़ा। लॉन्च द इवोल्यूशनरी थ्योरी इन 1858 हाउएवर द डिड नॉट अफेक्टेड सिस्टम इन द बिगिनिंग अर्नेस्ट हेकल एंड अगस्त बेलम इक्लर बस टू जर्मन बायोलॉजिस्ट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इवोल्यूशनरी ट्रीज हेकल एस्टेब्लिश द टर्म फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी में जो ट्री दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है किस प्लांट का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, इसको सबसे पहले अगस्त बेलम इक्लर ने दिया था। द इक्लर पर्सनल इंफॉर्मेशन, बॉर्न 16 फरवरी 1834 वोरस्टम किंगडम ऑफ पुर्सिया, 9 अगस्त 1990 डेट जेना बार्मन रिपब्लिक, नेशनलिटी जर्मन, बेसिकली इज द जर्मन वर्कर्स। अगस्त बेलम इक्लर आल्सो नो अंडर हिज लैटिनाइज नेम अगस्त गार्डलाइन इक्लर वाज द जर्मन बॉटनिस्ट हु डेवलप्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स रिफ्लेक्टेड कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन हिज आर्थर एब्रेशन इन बॉटनी इक्लर। तो इन्होंने क्या किया, जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने नामों को लैटिनाइज किया और बहुत सारे नए नियमों को उन्होंने डेवलप किया, एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया जो इवोल्यूशन के नाम पे रखे गए, तो उनको रिफ्लेक्ट करने का काम रखा गया। और इन्होंने जो बॉटनिकल नेम थे उनके आथर के नाम का एब्रेशन स्टार्टिंग का जो श्रेय जाता है वो अगस्टिन बेलम इक्लर को ही जाता है। फाइलोजेनेटिक्स टू फाइलोजेनीज, हाउएवर द मेन पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी डिमांड द एक्सटेंडेड फिनोटिक्स लुकिंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ द क्रिएट सिस्टमेटिक्स। प्रेजेंट टाइम में 20वीं शताब्दी में देखा गया कि समानताएं और असमानताएं जो है वो क्लासिफिकेशन को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉट ओनली ग्रॉस मॉर्फोलॉजी बाज यूज फाइंड करेक्टर बट एनाटॉमी क्रोमोसोम पोलन बायोकेमिस्ट्री इवोल्यूशनरी प्रोटीन सिस्टम ऑफ प्लांट्स एनिमल वर नाउ हुइज इन फ्लावरिंग प्लांट्स अप्रोचिंग क्वार्टर ऑफ मिलियन। तो स्पीसीज के लिए निर्धारण करने के लिए क्लासिफिकेशन देने के लिए अभी तक हम देखते हैं केवल मॉर्फोलॉजी के आधार पर किया जाता था,
लेकिन यहां तक आते थे सदी क्या हुआ, एनाटॉमी, क्रोमोसोम, पॉलीमरेज, बायोकेमिस्ट्री को आधार बनाकर क्लासिफिकेशन को जाने लगा। मास्टर्स इन द प्लांट सिस्टमेटिक्स, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्लांट में सिस्टम को जो आधुनिक क्लासिफिकेशन उसको देने का काम किया था, उन लोगों को मास्टर्स कहा गया था प्लांट सिस्टमेटिक। तो प्लांट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन एक ही टर्म है। तो ह्यूज बार्मिंग, जॉन हचिनसन, अर्मन लोवेल तख्ताजान, आर्थर जी कॉन्क्वेस्ट, रॉबर्ट एफ थ्रॉन, रोल्फ डार्लिंगटन, ये हमारे जो थे एक बड़े क्लासिफिकेशन थे जिन्होंने मॉडर्न टाइम में क्लासिफिकेशन को दिया। द जर्मन बायोलॉजिस्ट बिल हेनिंग फाउंडेड क्लेडिस्टिक इरा इन 1966 बाय स्टेटिंग द ओनली सिमिलरिटीज ग्रुप स्पीसीज शुड बी यूज्ड इन क्लासिफिकेशन एंड दैट टैक्सा शुड बी इंक्लूड आर डिस्टिंक्टेड फ्रॉम वन सिंगल एंसेस्टर्स। तो इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने क्लेडिस्टिक फॉर्म दिया था, इन्होंने कहा जो एक जैसे करेक्टर वाले प्लांट है वो एक उसमें रखे जाएंगे, डिफरेंट ग्रुप को अलग ग्रुप में रखेंगे। और इन्होंने एक ट्री का, जिसे ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन शुरू किया गया, जिसे हम कहते हैं क्लेडिस्टिक हाइपोथेसिस सिस्टमेटिक्स कुड नाउ बी टेस्टेड थ्रू क्लेडिस्टिक मेथड। तो जो उन्होंने मेथड दिया था वो हाइपोथेटिकल लोग होते हैं उसे सिस्टमेटिक को यूज को अपने को टेस्ट सिस्टमेटिक द न्यू मेथड्स कॉल्ड क्लेडिस्टिक। तो इन्होंने जो मेथड इजाद किया था उसे क्लेडिस्टिक कहा गया था। बात कंट्रोवर्सियल टुक द अराउंड 20 इयर्स बिफोर द स्टार्टेड बिकम स्टेबलिस। उसको 20 पहले इजाद किया जो है कंट्रोवर्सियल रहा था, बहुत सारे अफवाह हुए थे। अर्लियर ड्यूरिंग द सेंचुरी द रिफॉर्मेशन ऑफ सिस्टमेटिक हैपेंड अर्लियर अमंग जूलॉजिस्ट देन बॉटनिस्ट। द 1918 वर द डिकेड ऑफ द ग्रेट डिबेट एंड डिस्कस वेयर द साइंटिस्ट क्लेम देमसेल्फ टू बिफोर अगेंस्ट क्लेस्टिक। बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना क्लेम भी किया, रिपोर्ट भी किया और शिकायतें भी दर्ज की। देर बाद अर्जेंट सर्च फॉर द करेक्टर द स्पीसीज एनालाइज्ड ऑर्डर गेट द फाइलोजेनी विद हाई रिजोल्यूशन इन फैक्ट लिमिटेड द यूज ऑफ मेथड। इस मेथड के द्वारा हम लिमिटेड फॉर्म में स्पीसीज के करेक्टर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच मेड इकोनॉमिकली पॉसिबल एम्पलीफाइड डीएनए सीक्वेंस यूज ऑफ सिस्टमेटिक्स एंड स्ट्रॉन्ग development of computer program could handle the large data set logistic become more and less the rules of systematic work। तो modern science 20वीं सदी तक आते थे, PCR का इजाद हुआ DNA के बेस पर, और इस logistic को हम यूज करके प्लांट के systematic work को आसानी से हम देख सकते हैं, similarities को identify कर सकते हैं। Polyclade, Hyloclade जो दिया था इस तरीके से कि इसकी जो ब्लूसिन ट्री दिया है इसका क्लेडिस्टिक से ट्री कहा जाता है, ये फिलोक्लेड। द फिलोक्लेड रिफ्लेक्ट फिलोसॉफिकल शिफ्ट फ्रॉम नेमिंग स्पीसीज सब्सिक्वेंटली क्लासिफाइंग द नेमिंग बोथ स्पीसीज क्लेडेट्स। द मेन आइडिया द फिलोक्लेड इज दैट ओनली स्पीसीज एंड क्लेडेट्स हु देयर नेम दैट हैव ऑल रैंक्स ओवर द स्पीसीज एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर। द एम इज द चेंज करंट नेम लिटिल पॉसिबल एंड बिल्ड stability the clade are rather than ranks. A phylloclade is still only a draft in the controversial and has led to the worldwide a very interesting debate. Its success will depend on the number of taxonomists will use the form of taxonomy but तो ये बहुत ही विवादित रहा है, बहुत ही डिबेट इस पर चल रहा है कि ये यूजफुल है यूजफुल नहीं है, जबकि इसका प्रयोग बहुत सारे जो बरकर साइबर टैक्सोनॉमी के लिए करते हैं। The end of Engler given the Pentel system, Engler and Pentel system, the Engler Pentel system, and all Engler and German botanist both two botanist Engler and Pentel given the special system, and all Engler German botanist he studied the obtained PhD from the University of Breslau Marklo Poland in 1866 after years of changing the become 1871 custodian botanical collection of the botanics institute of Ludwig Maximilian University Michigan remaining the until 1878 when the accepted the professor at the University of Kiel where he studied until 1884 the teaching systematic botany also say 1878 Engler Bach elected Ludwigian German Academy of the Natural History he went back to Brussels in 1884 as a director of botanical garden succeeding Geopart and appointed professor at botany of University of Brussels from 1889 in 1921 Engler was a professor University of Berlin
and director of the Berlin Delman Botanical Garden, transforming it into one of the greatest botanical garden of the world. He visited the several regions bird, enlarging knowledge of floristic distribution, especially Africa. Basically, ये German botanist थे, इन्होंने Pentel के साथ मिलकर वर्क किया था और बॉटनी के प्रोफेसर है, कई सारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने टीचिंग का काम किया, बॉटनिकल गार्डन के भी डायरेक्टर रहे थे और इनको जो फ्लोरिस्टिक वर्क था बेसिकली अफ्रीका पर बेस्ड था। इन द सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ट्रेड इवोल्यूशन द एक्सिस्टिंग फैमिली, तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फैमिली के इवोल्यूशन के बेस पर था। सिस्टम द प्लांट किंगडम डिवाइडेड, उन्होंने पूरे प्लांट किंगडम सिस्टम को 14 डिवीजन में डिवाइड किया, जैसे कि साइजोफाइटा, प्लेजोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। तो एम्ब्रियोफाइटा को दो भागों में डिवाइड किया गया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और जो फिर एंजियोस्पर्म को डाइकॉट मोनोकॉट डिवाइड कर दिया था। दिस सिस्टम अपॉन द हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिमिटिव फ्लावर, तो उनका जो बेस फ्लावर था वो प्रिमिटिव और एडवांस करेक्टर के आधार पर उन्होंने मान कर दिया था। और उन्होंने जो फैमिली पर वर्क किया था बेसिकली सफेगरा, एरेकेसी और ब्रुसिनेसी पर उन्होंने वर्क किया था। कार्ल एंटिन एगल पेंटल जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने साथ मिलकर काम किया था, जिनका कंबाइन तस्वीर है, दोनों बॉटनिस्ट थे, साथ काम किया था। रिचर्ड बेटसन थे, इनका भी बहुत सारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा है बॉटनी टैक्सोनॉमिस्ट में, तो ये बेसिकली बियाना ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग है। वेस्टर्न सिस्टम, द रिचर्ड वेस्टर्न ने ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट, हिज टैक्सोनॉमिक सिस्टम द वेस्टर्न सिस्टम, बिट स्टीन सिस्टम बाज वन ऑफ द अर्लीस्ट बेस्ड ऑन द फाइलेटिक प्रिंसिपल्स। वेस्टर्न का स्टडी बियाना इज द डिसिप्लिन टू कॉन मार्लिन एंड मैरिड हिज डॉटर्स, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बिलोंग करते थे, इन्होंने काम किया था। चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन जो एडविन थे, तो ये बेसिकली मिल्टन ओयो से बिलोंग करते थे और ये अमेरिकन नागरिक थे और इन्होंने जो था एज ए फील्ड बॉटनिस्ट का प्रयोग किया था इन्होंने। और द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ बेसी, ही बॉटनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द यूनाइटेड स्टेट द सिस्टमेटिक बॉटनी ऑफ प्लांट, मार्कोलॉजी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी ऑफ बॉटनिकल इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉलेज लेवल। तो उन्होंने बहुत सारा जो थे अमेरिकन नेचर, अमेरिकन मूल के निवासी थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल और मार्फोलॉजी दोनों वर्क को किया, उन्होंने काम अपना कॉलेज लेवल पर भी किया था। हिज अरेंजमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म टैक्सा एम्फसाइज एवोल्यूशनरी डिग्रेस ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म कंसीडर्ड टू मैनी सिस्टम्स मोस्ट लाइकली टू फॉर्म बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्रेसिव टैक्सोनॉमी प्लांट किंगडम। तो उन्होंने जो एंजियोस्पर्म प्लांट को काम अरेंज किया था बेसिकली प्रिमिटिव करेक्टर्स और इवोल्यूशनरी करेक्टर के आधार पर किया था। बिकॉज ऑफ द एम्फसाइज ऑफ नॉर्थ अमेरिका स्पीसीज ऑफ बेसी टैक्सोनॉमी इन द ओरिजिनल फॉर्म रिप्रेजेंटेड 22 ईयर द डेवलपमेंट इज फाउंड द एप्लीकेशन ओनली इन दिस नॉर्थ सेंट्रल रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इनका जो बेसिकली बर्थ था वो नॉर्थ पर बेस्ड था। द सिस्टम वाज बेस्ड अपॉन द सीरीज ऑफ डाइकॉट सिस्टमेटिक गाइडिंग प्रिंसिपल यूज्ड टू द डिटरमाइन द डिग्री ऑफ प्रिमिटिव एंड प्लांट ग्रुप्स। तो उन्होंने जो अपना किया था डिक्टेटा मीन्स प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो स्टेटमेंट थे उस पर आधारित था इनका, इन्होंने प्रिमिटिव और एडवांस ग्रुप के आधार पर इन्होंने प्लांट क्लासिफाई किया था। बुक टू ग्रीनेल्स बेसल ग्रुप विद बोथ मोनोकॉट एंड अदर ग्रुप्स डाइकॉट इवॉल्व बट आल्सो बिलीव द फ्लावरिंग प्लांट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्ट्रोबिलीफेरस साइकेट्स एंसेस्टर। इनका मानना था जो फ्लावरिंग प्लांट है वो स्ट्रोबिलीफेरस और साइकेट एंसेस्टर से उत्पन्न हुए हैं। जॉन गॉटफ्रॉड हिलर्स, तो ये बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे और इनका भी कंट्रीब्यूटर रहा, इन्होंने जो क्लासिकल सिस्टम दिया था उसे हिलर्स सिस्टम कहा गया। ही क्रिएटेड द इंट्रोड्यूसिंग द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड दैट बिकम नोन एज हिलर्स सिस्टम। इज पब्लिश द सेवरल वर्क ऑफ द बॉटनी डच ईस्ट इंडीज इंक्लूडिंग टेरिटरीज ऑन द फ्लोरा ब्रूनो हिलर्स कमरोड इन द साइंटिफिक नेम स्पीसीज ऑफ लिजार्ड एंड थायोडेनिस हिलरी। तो इन्होंने बेसिकली लिजार्ड नाम दिया था अल्फार्ड रैंडल, तो ये भी बड़ी यूनाइटेड किंगडम बिलोंग करते साइंटिस्ट थे। अल्फार्ड ब्रोटिन ही बाय द क्रीपर ऑफ बॉटनी एट द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम फ्रॉम 1916 टू 1930 सक्सेसन ऑफ जॉर्ज रॉबर्ट मिलेन म्यूरी। इन 1905 रैंडल अटेंड द इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस बियाना वेयर द अपॉइंटेड ऑन द एडिटोरियल कमेटी फॉर द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर।
The code of nomenclature, algae, fungi, plants, international code of nomenclature of bacteria, role which continued to until the 35. 1905 में रेनल को इंटरनेशनल कोड बियाना कांग्रेस में शामिल हुए थे और वहां इनको जो इंटरनेशनल रूल्स की कमेटी है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर उसमें इनको इलेक्ट किया गया था, जो इनका इन्होंने 1935 तक इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। पर हैव द बेस्ट नोन ऑफ द दीज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सी बार द गैप ओवर 30-20 ईयर बिटवीन पब्लिकेशन टू वॉल्यूम्स पब्लिश 1904 द रिगार्डेड रीडर्स हैड वेट अंटिल 25 फॉर द वॉल्यूम टू। तो उन्होंने लगभग 20 साल में दो पब्लिकेशन दिए थे। दिस लॉन्ग गैप अट्रीब्यूट रेनल हिज द इंक्रीजिंग ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल ड्यूटी, बहुत सारी ऑफिशियल नॉन ड्यूटी ऑफिशियल कारण को ये 20 साल का इसमें गैप लगा। रेनल बाद द प्रेसिडेंट कोई क्विट माइक्रोपोसियल क्लब 1916 to 1921 प्रेसिडेंट लिनियन सोसाइटी फ्रॉम 1922 to 1927 ही हैड बीन फॉलो ऑफ लिनियन सोसाइटी सिंस 1818 एंड बाद द सेक्रेटरी 1916 to 1923। तो ये कई सारी सोसाइटियों में जो लिनियन सोसाइटी थी और सोसाइटियों थी उसमें मेंबर भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, उसके फेलो भी रहे थे। ही कंपेटेबल कंसीडर दैट ही हैड कीन सेंस ड्यूटी एंड ब्रॉट हिज गोल्स ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक कम्युनिटी हिज टीचिंग फोकस्ड ऑन द डिग्री फंडामेंटल नॉलेज अंडर ग्रेजुएट एंड बॉन्ड। तो ये टीचिंग भी काम अंडर ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाया। जॉन हचिनसन इज द फेमस साइंटिस्ट ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनी एंड डायोटा यानी मींस प्रिंसिपल 24 प्रिंसिपल बेस्ड द जॉन हचिनसन क्लासिफिकेशन। इनका जो क्लासिफिकेशन है इन्होंने एडवांस और प्रिमिटिव करेक्टर के आधार पर दिया था। 24 जो प्रिंसिपल दिए इसके आधार पर प्लांट क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था बॉर्न इन किया था और उन्होंने इस पर इंपॉर्टेंट किया था। बाद में इनका जो क्लासिफिकेशन था वो हमारा जो था वो रिजेक्ट हो गया था। हचिनसन मेड टू एक्सटेंडेड कलेक्शन ट्रिप साउथ अफ्रीका एंड वर रिकॉग्नाइज डिटेल इन द बॉटनी साउथ सदर्न अफ्रीका। तो उनका बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था जो इनका फ्लोरा पे काम जो किया था वो साउथ अफ्रीका के लिए था। पहली विजिट इनकी जो हुई थी वो 1928, 1929, 1930 और 1930 में हुई थी। उसके बाद हिज फर्स्ट विजिट बार अगस्त 1922 अप्रैल 1929 एंड सेकेंड फ्रॉम जून 30 सितंबर 1930 ऑन विच अकेजन द एक्सपेंडेड ट्रेवल नॉर्थ एज फार एज लैक टेंसकिया। द सिस्टम ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी जॉन हचिनसन द हचिनसन सिस्टम बाय पब्लिश द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो उन्होंने बुक थी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन पब्लिश किया। अरेंज अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन देयर द प्रॉब्लम्स फाइलोजेनी इन थ्री एडिशंस। उन्होंने फाइलोजेनी का आधार पर किया था, थ्री एडिशन में पब्लिश किया था 1926, 1959, थर्ड एडिशन था 1973 में। दिस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडिशन वॉल्यूम फर्स्ट डाइकोटिलेडंस 1926 एंड वॉल्यूम टू मोनोकोटिलेडंस। तो उन्होंने दो वॉल्यूम पब्लिश किया था, पहला काम डाइकोटिलेडंस को 1926 में पब्लिश किया था पहले वॉल्यूम में और दूसरे वॉल्यूम में मोनोकोटिलेडंस को 1934 पब्लिश किया था। हचिनसन सिस्टम वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस रिवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमिक इन द अर्ली 20th century। 20वीं शताब्दी में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहा। हचिनसन इज नोन एज फॉर 24 डिकेटा एंड इन्होंने 24 फ्लावरिंग प्लांट के लिए 24 प्रिंसिपल्स दिए थे। द की फीचर ऑफ थर्ड एडिशन 1973 वाज बेस्ड ऑन द हैबिट ऑफ द प्लांट नेमली हर्बेसियस प्लांट, यानी कि उन्होंने हैबिट के आधार पर प्लांट को क्लासिफिक किया 1973 में। जो हर प्लांट थे छोटे प्लांट को हर्बेसी ग्रुप में रखा और जो बूटी प्लांट थे उन्हें लिग्नोसी ग्रुप में रखा। पोस्ट बाय टिप्पो इन्होंने एल्गी फंजाई और एंजियोस्पर्म में बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन रहा था। ये बेसिकली मूल के थे। तो टिप्पो ज्वाइंट यूनिवर्सिटी ऑफ लिनियो फ्रॉम 1943-1945 बर्थ बायोलॉजिस्ट एट फिलाडेल्फिया नोबल शिपयार्ड। तो उन्होंने बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे, कई सारे काम किए, बहुत सारे इन्होंने बुक्स लिखी हैं और इन्होंने टेक्स्ट बुक भी बहुत सारी की। इन्होंने अमेरिकन जर्नल में बहुत सारे पब्लिश किए था। 1955 द एल यूनिवर्सिटी द एटन प्रोफेसर बॉटनी डायरेक्टर मैरस बॉटनिकल गार्डन एंड फेलो ऑफ ब्रेकली कॉलेज। 5 years लेटर ही वॉज नेम्ड प्रोवोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एंड इन 1963 द नेम एक्सिक्यूटिव डीन ऑफ आर्ट साइंस न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। फ्रॉम 1964 to 1970 टिप्पो सर्व प्रोवेस्ट यूनिवर्सिटी मस्कट एंड
He is created the initiating construction for the W.E.B. Du Bois Library. Library courtyard was named his honor October 1899. Pippo was named Commonwealth Professor of Botany from 1971 until the retirement in 1982. From 1982 1985, he served editor the Journal Economic Botany. Pippo was president of the Botanical Society of America 1955, fellow of American Academy Arts Science, member of American Society for Advancement of Science, member of American Institution of Biological Science. तो जो टिप्पो साहब थे, इन्होंने बहुत सारा काम किया, कई एकेडमी में साइंटिस्ट भी रहे, उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी जो जर्नल पब्लिश होता बॉटनी का, उसमें एडिटर भी रहे थे, सारा काम किया बॉटनी रिलेटेड से। उसके बाद आते हैं अल्फर्ड गैंडरसन, इंट्रोड्यूस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द क्रोमोसोम नंबर एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी करेक्टर्स। उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था वो बेसिकली एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के करेक्टर पर डिपेंडेंट था। He divided the 10 groups of 42 orders in families of dicots and he not described the monocot. उन्होंने केवल dicot family को describe किया था, पूरे group को उन्होंने 10 group को divide किया था, उन 10 group को उन्होंने 42 में divide किया था। Dr. Leon Van Denson, तो British scientist थे, इनका भी important contribution रहा है। तो Leon Benson, he devoted a professional life teaching and research on the plant life. साउथ वेस्ट ईस्टर्न डिबेट नॉर्थ अमेरिका एंड मेक्सिको इमेरिटस प्रोफेसर ऑफ चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी डायरेक्टर हर्बेरियम ऑफ पोनमा कॉलेज एंड हिज क्रिएटेड मोर देन 17 पब्लिश वर्क ऑन द फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका स्पेशली ऑफ साउथ वेस्ट। तो उन्होंने बेसिकली जो काम किया था फ्लोरा पे, नॉर्थ वेस्ट फ्लोरा पे काम किया था, बहुत सारी बुक्स उन्होंने पब्लिश की है। ही डिवाइडेड द बेस्कुलर प्लांट टू 5 डिग्री, इन्होंने बेस्कुलर प्लांट को 5 क्लास में डिवाइड किया था, 5 ग्रुप में डिवाइड किया, स्पर्मेटोफाइटा, टाइडोफाइटा, सेनोफाइटा, लेकोफाइटा एंड फाइलोफाइटा। फिर उसके बाद जो हमारे जो लेटेस्ट वर्जन में आते हैं, लेटेस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट आते हैं, जो है हरमैन लियोनोविच टक्स्टाजान। तो बेसिकली ये रशियन बॉटनिस्ट थे, उनका रशिया में जन्म हुआ, सोवियत संघ रूस में यहीं पर काम किया था। टक्स्टाजान सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लासिफिकेशन, ट्रीटेड फ्लावरिंग प्लांट डिवीजन मैंग्लियोफाइटा विद टू क्लासेज मैग्नोलोपसिडा एंड लिप्टोपसिडा। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसको तख्ताजान सिस्टम कहते हैं, और इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो फ्लावरिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें डिवीजन को फाइलम के लिए ट्रीट किया। तो मैग्नोलियो फाइटा जो है उसको 2 क्लास में डिवाइड किया था, मैग्नोलियोपसिडा एंड लिप्टोपसिडा। तो मैग्नोलोपसिडा में डाइकॉट रखे गए थे और उसको मोनोकॉट रखा गया। दीज टू क्लासेज सब डिवाइडेड टू सब क्लासेज एंड सुपर ऑर्डर, ऑर्डर एंड फैमिली। उन्होंने क्लास को सब क्लास में, सुपर ऑर्डर को ऑर्डर में और उसके बाद फैमिली में डिवाइड किया। तख्ताजान सिमिलर टू द कॉनकोस सिस्टम बट समवॉट ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड द हायर लेवल। तो इनका जो सिस्टम था वो कॉनकोस सिस्टम से रिलेटेड था, उसके आधार पर इन्होंने सिस्टम दिया था। फेवरेबल स्मॉलर ऑर्डर्स फैमिलीज अलाउ द करेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टू बिकम इजीली गैप्स ब्रेथ्स। तख्ताजान क्लासिकल सिस्टम नॉमिनल इन्फ्लुएंस इज यूज एक्सप्लेन बाय दिस मॉन्ट्रियल बॉटनिकल गार्डन। उन्होंने बेसिकली मॉन्ट्रियल बॉटनिकल से रिलेटेड थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया तख्ताजान सिस्टम। वो जो हमारे जो तख्ताजान थे, इनका जन्म जो था 10 जून 1910 को हुआ था नवंबर, और नवंबर 13, 2009 में ये एक्सपायर हो गए थे। तो जुड़ी रिलेटेड जानकारी इसको आप देख ले। उसके बाद हमारा आता आर्थर कॉनक्विस्ट। तो आर्थर कॉनक्विस्ट बेसिकली कैलिफोर्निया यूनाइटेड से रिलेटेड थे। He considered one of the most influential botanist 20th century largely due to the his formula of conquest system as being the primary co-author flora of the Pacific Northwest. Still most of the date flora of 3 Northwest US state of date. The plant genera is Aster family have been named in honor. These are conquest and possible synonyms of Carphocuist and Cornquistatus. Which the sometimes include as the group of Pipitorium. Conquest first overview classification was published in 1960, followed by the evolution and classification of flowering plant in 1968, with the revised the expanded second edition being released in 1988. This work also survey of practice of systematic botany. In 1988, he published the landmark of an integrated system of classification of flowering plants. तो बेसिकली देखा जाए 20वीं सदी के टैक्सोनॉमिस्ट थे,
और इनके सम्मान में बहुत सारा काम करा गया, बहुत सारे जीनस के नाम रखे गए थे। और इन्होंने जो काम किया था, इन्होंने अपने काम को रिवाइज करके और जो मॉडर्न टाइम में स्वरूप दिया था, उस काम को उन्होंने इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के नाम से किया था। आर्थर जॉन कॉर्नक्विस्ट बर्कस डिवाइडेड प्लांट इनटू द टू क्लास नंबर सब क्लास फैमिली लेवल्स विद ईच टैक्सोनॉमी बीइंग डिस्क्राइब्ड डिफाइंड द सिस्टम वुड नॉट गो टू अडॉप्ट बाय द सेवरल मेजर प्रोजेक्ट्स फ्लोरिस्टिक इंक्लूडिंग जेप्सन मैनुअल फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्लोरा ऑफ चाइना फ्लोरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो गिल्सन कॉर्नक्विस्ट मैनुअल ऑफ द वैस्कुलर प्लांट थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन 1991। तो इन्होंने बहुत सारे फ्लोरा पे भी काम किया था, फ्लोरा ऑफ अमेरिका फ्लोरा ऑफ चाइना फ्लोरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया से काम किया था इन्होंने, और बाद में एक मैनुअल पब्लिश उन्होंने किया था वैस्कुलर प्लांट के नाम से 1991 में, जो इनका बहुत ही लेटेस्ट वर्क है। रोल्फ डार्लिंगटन, तो रोल्फ डार्लिंगटन बेसिकली स्वीडन बेस्ड टैक्सोनॉमिस्ट थे, लुंड यूनिवर्सिटी में इनकी एजुकेशन हुई थी और उन्होंने बुक्स दी थी मोनोकॉटिलेडन्स कंपैरेटिव स्टडी दी थी फैमिली की मोनोकॉटिलेडन्स की, और उन्होंने इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी का वर्क किया था। तो इनको जो कंट्रीब्यूशन वर्क था वो अमेरिका पे बेस्ड था। ही डेवलप्ड हिज सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेनी मोर करेक्टर्स साइमल्टेनियसली द प्रीवियस सिस्टम द मोस्ट नोटेबल मनी केमिकल प्लांट ट्रेड्स All those system was first presented in Dennis rapidly gained widespread acceptance particularly due to the instructive diagrams so the called darling grams his birth the family circumstances in monocotyledons published with Harold Trevor Clifford and Peter Federer yo he had profound influence built into the molecular age। तो देखा जाए डार्लिंगटन ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो बायोकेमिस्ट्री पर बेस्ड था, इसलिए वो कीमोटैक्सोनॉमी का भी नाम दिया गया था, पहली बार उन्होंने पब्लिश किया था और फिर उन्होंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया था, बाद में उस ग्राम को डार्लिंगटन ग्राम दिया था। रॉबर्ट ऑफ थ्रॉन्स, तो ये मॉडर्न थे और क्लासिफिकेशन 1983 में आया था। तो ये बेसिकली क्या थे, जर्सी यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते थे और इन्होंने जो हमारा रॉबर्ट थ्रोन थे अमेरिकन बॉटनिस्ट भी थे और बेसिकली ये जो थे रायको सेंट बॉटनिकल गार्डन में अमरेटस